Hello students, welcome to my YouTube channel MathMavens. I am Sumit Bansal. Today we will discuss about an important concept, which is LCM and HCF of numbers. LCM and HCF क्या होता है? Generally आपको क्या है, बहुत से बच्चों को लगता है कि ये बहुत easy concept है. जिनको नहीं आता वो आज इस क्लास में पक्का सीख जाएंगे पूरा कॉन्सेप्ट, कितना ही हाई लेवल का क्वेश्चन बन जाए. और जिन बच्चों ने ऑलरेडी ये कॉन्सेप्ट पढ़ रखा है उनके लिए भी कुछ ना कुछ इस वीडियो में डेफिनेटली आई एम 100% श्योर कि उनको कुछ ना कुछ नया सीखने को ज़रूर मिलेगा. तो जो पार्ट आपको आता है आप उसे स्किप कर सकते हो और सीधा जो मेन पोर्शन जो आपको नहीं पता आप अपनी नॉलेज को इन्हेंस कर सकते हो उसे देख के. तो स्टार्ट करते हैं. देखो सबसे पहले हमारे पास एक क्वेश्चन है, इसे डिस्कस करते हैं. फाइंड द ग्रेटेस्ट इंटीजर विच डिवाइड्स 25 एंड 10. लैंग्वेज बहुत ही प्रिसाइज है, ध्यान से समझना. फाइंड द ग्रेटेस्ट इंटीजर, हमें एक ऐसा ग्रेटेस्ट यानी कि मैक्सिमम नंबर चाहिए विच डिवाइड्स 25 एंड 10, यानी एक ऐसा नंबर जो 25 को भी डिवाइड करेगा और 10 को भी डिवाइड करेगा. तो मैंने यहाँ पे लिखा है 1. 1 जो है वो 25 को भी डिवाइड करता है और 10 को भी करता है. 2 जो है वो 25 को डिवाइड नहीं करेगा लेकिन 10 को करेगा. तो मुझे तो ऐसा चाहिए जो इन दोनों को ही डिवाइड करे. तो 2 जो है वो दोनों को डिवाइड नहीं कर रहा. 3 किसी को भी डिवाइड नहीं करता, सेम एज 4. 5 जो है वो 25 को डिवाइड करता है और 10 को भी डिवाइड करता है. क्या 5 से बड़ा कोई नंबर मिलेगा? तो 6, 7, 8, 9, 10, इनमें से कोई भी नंबर 25 और 10 दोनों को एक साथ डिवाइड नहीं कर रहा. तो आपने देखा कि जो 5 है ना, मैक्सिमम नंबर ये है. इसने क्या पूछा है, ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 25 एंड 10. तो डिवाइड तो 1 भी कर रहा है और 25 भी कर रहा है, बट 25 जो है वो ग्रेटेस्ट है. तो कंक्लूजन क्या हुआ, 5 इज़ द ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 25 एंड 10. अब कुछ कहेंगे कि इसमें ना मज़ा नहीं आया, हमें कैसे पता चलेगा कौन कैसे डिवाइड कर रहा है, क्या पता हम कोई नंबर मिस कर दें. तो आपको क्या करना है, मैंने लिखा है डज देयर एग्जिस्ट एनी मेथड, क्या कोई ऐसा मेथड एग्जिस्ट करता है कि इस टाइप के क्वेश्चन हम डायरेक्ट सोल्व कर पाएं. तो बिल्कुल यहीं पे आपका ओरिजिन आता है, किसका, HCF का, कि HCF की नीड हमें क्यों है. तो ध्यान से समझना, HCF का मतलब होता है हाइएस्ट कॉमन फैक्टर. क्या होता है, हाइएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है किसी भी नंबर्स का. HCF को GCD भी बोलते हैं, बहुत लोगों को ये चीज़ नहीं पता तो नोट कर लेना, HCF को GCD भी बोल सकते हैं. GCD होता है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर. तो GCD और HCF इन दोनों का ही मतलब सेम होता है, ध्यान रखना, ठीक है. डेफिनेशन क्या है, प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर इन द नंबर्स. क्या मतलब है, जो भी नंबर्स हमें गिवन है उनके प्राइम फैक्टर्स देखने हैं. क्या देखने हैं, उनके प्राइम फैक्टर्स. उन प्राइम फैक्टर में जो भी कॉमन है, क्या है कॉमन, उसकी स्मॉलेस्ट पावर का प्रोडक्ट करेंगे. नहीं समझ में आया, चलो एग्जांपल देखते हैं. जैसे ये दो नंबर्स हैं 25 और 10, मुझे इनका HCF चाहिए. तो 25 के फैक्टर्स मैंने क्या कर दिए, 5 से डिवाइड किया, फिर 5 से डिवाइड किया, ऐसे ही 2 और 5. इसको प्राइम फैक्टराइजेशन बोलते हैं, आप सभी को पता होगा, है ना. क्या बोलते हैं इसको हम, प्राइम फैक्टराइजेशन. तो मैंने यहाँ पर प्राइम फैक्टराइजेशन करके 25 और 10 के फैक्टर्स लिख दिए, है ना. 5 × 5 यानी 5 स्क्वायर, 2 × 5. तो डेफिनेशन क्या बोलती है, डेफिनेशन कहती है कि आपको कॉमन देखने हैं, पहले कॉमन फैक्टर कौन है. तो इन दोनों में कॉमन कौन है, 5 है. कौन है कॉमन, 5. उसकी स्मॉलेस्ट पावर देखनी है. तो स्मॉलेस्ट पावर क्या आ गई, 5. यानी कि HCF ऑफ 25 एंड 10 क्या आएगा, 5. और यहाँ पर देखो 25 और 10 का ही हमसे पूछा था क्वेश्चन में. तो 25 और 10 में यहाँ भी कंक्लूजन 5 आया था और जो मैंने HCF के मेथड से बताया है वो भी हमारा क्या आया है, 5. तो HCF का यूज़ इस तरीके से हम कर सकते हैं, ध्यान रखना, ठीक है. फिर एक और क्वेश्चन के मीडियम से मैं आपको बताता हूँ LCM क्या होता है, ठीक है. क्वेश्चन है फाइंड द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर विच इज़ डिविजिबल बाय 25 एंड 10. हर जगह मैं सेम ही एग्जांपल ले रहा हूँ 25 और 10, सो दैट आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाए, ठीक है. अब हमें क्या पूछा है, यहाँ पे लीस्ट नंबर पूछा है. कैसा नंबर पूछा है, लीस्ट. पहले कैसा पूछा था, ग्रेटेस्ट, ठीक है. तो लीस्ट नंबर चाहिए विच इज़ डिविजिबल बाय, वहाँ पे क्या हो रहा था, हमने जो नंबर फाइंड किया था वो 25 और 10 को डिवाइड कर रहा था. यहाँ पे क्या हो रहा है, हमें एक ऐसा नंबर चाहिए जिसको 25 और 10 डिवाइड करेंगे, यानी एक ऐसा नंबर x आप ढूंढोगे जिसको 25 भी डिवाइड करेगा और इसको 10 भी डिवाइड करेगा. तो मैंने एक ऐसा नंबर लिखा है अपनी मर्जी से 50. 50 में 25 भी डिवाइड कर रहा है इसको और 10 भी डिवाइड कर रहा है ना. 100 को भी 25 डिवाइड करता है और 10 भी करता है.
250 को 25 भी डिवाइड कर रहा है और 10 भी डिवाइड कर रहा है, लेकिन इस टाइप से तो बहुत सारे नंबर्स मिलेंगे। इसने पूछा है लीस्ट नंबर, क्या पूछा है? लीस्ट। तो मैंने बोल दिया कि जो 50 है, दिस इज़ द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर विच इज़ डिविजिबल बाय 25 एंड 10। बट अगेन वही क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चंस में हमें कैसे पता चलेगा कि ये लीस्ट है या नहीं है? क्या इसका कोई मेथड एग्जिस्ट करता है? बिल्कुल करता है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस में हम क्या फाइंड करते हैं? एलसीएम फाइंड करते हैं। क्या फाइंड करते हैं हम? एलसीएम। ठीक है, क्या डेफिनेशन है ध्यान से समझना। एलसीएम को बोलते हैं लीस्ट कॉमन मल्टीपल। क्या बोलते हैं? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। डेफिनेशन क्या है? प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर, वहाँ कैसी पावर ले रहे थे? स्मॉलेस्ट, यहाँ कैसी है? ग्रेटेस्ट। ऑफ ईच प्राइम फैक्टर, वहाँ पे ध्यान रखना HCF के अंदर कॉमन होता है, HCF के अंदर क्या होता है? कॉमन फैक्टर्स होते हैं। यहाँ पे ईच फैक्टर चाहिए हमें, ईच प्राइम फैक्टर इन्वॉल्व इन द नंबर्स। क्या मतलब हुआ? जैसे हमें चाहिए LCM ऑफ 25 एंड 10, 25 के फैक्टर्स क्या हो गए? 5 स्क्वेयर। 10 के फैक्टर्स क्या हो गए? 2 इंटू 5। तो हमें क्या चाहिए? सारे प्राइम फैक्टर्स चाहिए, तो 5 भी लेंगे 2 भी लेंगे, तो मैंने 2 और 5 लिख दिया। अब इनकी पावर्स क्या चाहिए? पावर्स चाहिए ग्रेटेस्ट, तो ग्रेटेस्ट पावर 5 की कौन सी है? 2। 2 तो एक ही बार आ रहा है, तो 1। 5 स्क्वायर 25 इंटू 2 50। तो जो 50 है वो हमारे पास क्या आ गया? एलसीएम आ गया। और ऊपर जो क्वेश्चन किया था उसमें भी आंसर क्या था? 50। तो इस टाइप के जो लैंग्वेज वाले क्वेश्चन हैं उनमें हम एलसीएम और एचसीएफ का यूज़ कर सकते हैं। और जिनको भी इसमें कोई डाउट लग रहा हो, कोई क्वेरी आ रही हो कि नहीं समझ में आ रहा, तो आप देखो फ़ायदा है, YouTube मैंने अपलोड कर दी है वीडियो, इसको आप बैक करके वापस देख सकते हो, है ना। तो LCM और HCF का इस तरीके से हम यूज़ करते हैं। अब इसके आगे और क्या क्या कॉन्सेप्ट है वो देखते हैं। अब क्वेश्चन इस टाइप से आता है, फाइंड LCM एंड HCF ऑफ 3 नंबर्स। अभी मैंने जो ऊपर एग्जाम्पल दिए थे 2 नंबर्स के दिए, अब 3 नंबर्स का एग्जाम्पल भी देख लो, ध्यान से समझ लो क्या है 3 नंबर्स के एग्जाम्पल। तो क्वेश्चन देखो ऐसे भी आ सकता है कि फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ दीज 3 नंबर्स, इसकी बजाय क्वेश्चन लैंग्वेज में ऐसे भी आ सकता है फाइंड द ग्रेटेस्ट पॉजिटिव इंटीजर, एक ऐसा ग्रेटेस्ट पॉजिटिव इंटीजर बताओ विच डिवाइड्स 672 एंड 120। यानी कि एक ऐसा नंबर जो 672 और 120 इन तीनों को ही डिवाइड करेगा। तो जब हमें ऐसा कुछ पूछता है ग्रेटेस्ट नंबर जो डिवाइड करेगा इनको, तो उस केस में मैंने बताया क्या फाइंड करते हैं? एचसीएफ। जब आपसे पूछ ले लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर विच इज़ डिविजिबल बाय दीज नंबर्स, तो क्या फाइंड करते हैं? एलसीएम। तो ये चीज़ अच्छे से नोट कर लेना, कब एलसीएम निकालना है और कब एचसीएफ निकालना है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ये मेथड देखो काफ़ी ओल्ड हो गया है, ऊपर जो मैंने लिखा है डायरेक्ट एलसीएम एचसीएफ आपसे नहीं पूछता है, इस टाइप से क्वेश्चन फ्रेम करके आजकल आपसे पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक है। तो हमें अगेन क्या करना है? बहुत ही सिंपल है, ग्रेटेस्ट पॉजिटिव पूछा मतलब एचसीएफ, लीस्ट पूछा मतलब एलसीएम। तो 6 के फैक्टर्स मैंने कर दिए, इसी टाइप से 72 और 120 के प्राइम फैक्टर्स मैंने किए हैं और उसको मैंने प्राइम फैक्टराइज करके यहाँ लिख दिया। अब एचसीएफ का मतलब क्या होता है ध्यान से समझना। एचसीएफ में मैंने बोला था पहले कॉमन प्राइम नंबर्स देखो, तो एक तो क्या आ रहा है? ये 2 कॉमन आ रहा है, एक ये 3 कॉमन आ रहा है, तो मैंने 2 और 3 यहाँ पे लिख दिया। एचसीएफ में नाम इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है बट पावर लेते हैं मिनिमम, तो 2 की मिनिमम पावर है 1, 3 की मिनिमम पावर है 1, तो HCF क्या आएगा? 6। यानी 6 वो नंबर है जो इन तीनों को डिवाइड करेगा और 6 ग्रेटेस्ट नंबर है, राइट। LCM में क्या होता है? सारे नंबर चाहिए 2, 3 और 5, तो 2, 3 और 5 तीनों लिख दिए। LCM का नाम लीस्ट कॉमन मल्टीपल है बट पावर यहाँ पे क्या लेते हैं? ग्रेटेस्ट। पावर क्या लेते हैं हम? ग्रेटेस्ट, ध्यान रखना, ठीक है। इसमें पावर होती है ग्रेटेस्ट, पावर क्या होती है इसमें? ग्रेटेस्ट। और इसमें पावर जो होती है वो क्या होती है हमारी? लीस्ट होती है। क्या होती है? लीस्ट, ध्यान रखना, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 2 की पावर हमें चाहिए थी मैक्सिमम, तो मैक्सिमम कौन है? 3। 3 की पावर मैक्सिमम 2, 5 तो एक ही बार आ रहा है, मैक्सिमम पावर 1 है। सिंप्लीफाई जब मैंने किया इसको तो मेरे पास एलसीएम क्या आ गया? 360। यानी 360 वो नंबर है जिसमें इन सब का डिवीज़न ऑलरेडी हो जाएगा इजीली, ठीक है, और ये लीस्ट नंबर है। अब इसका हाई लेवल का क्वेश्चन कैसा बनता है उसको भी देखते हैं। इफ़ ए इज़ इक्वल्स टू एक्स क्यूब वाई स्क्वेयर एंड बी इज़ इक्वल्स टू एक्स स्क्वेयर वाई फोर एंड एचसीएफ ऑफ दीज 2 नंबर्स ए एंड बी, ए एंड बी का जो एचसीएफ है इट इज़ एक्स टू द पावर एम वाई टू द पावर एन, एलसीएम ऑफ ए एंड बी इज एक्स टू द पावर आर वाई टू द पावर एस, देन फाइंड एम प्लस एन इंटू आर प्लस एस। देखने में थोड़ा सा टफ लग रहा होगा बट बहुत ही ईजी है, ध्यान से समझना। ए जो है वो है एक्स क्यूब वाई स्क्वेयर, बी जो है एक्स स्क्वेयर वाई फोर,
इसमें देखो आपको ऑलरेडी फैक्टर्स करके दे दिए, यहाँ पे ए और बी की जगह अभी तक हमारे पास क्या था, 6, 72, 120, 25 ऐसे नंबर्स होते थे, उन नंबर्स को हम क्या करते थे, प्राइम फैक्टराइज करते थे, बट यहाँ तो प्राइम फैक्टराइज करके ऑलरेडी दे रखा है, तो ये तो ईजी क्वेश्चन है। एच सी एफ में क्या होता है, इनकी स्मॉलेस्ट पावर देखते हैं, तो एक्स की स्मॉलेस्ट पावर 2 है, वाई की स्मॉलेस्ट पावर 2 है, और ये जो एच सी एफ है वो गिवन है हमें एक्स की पावर एम वाई की पावर एन, तो यहाँ से कंपेयर किया तो एम हो गया 2 और एन भी हो गया 2, ठीक है। फिर है एलसीएम, एलसीएम में क्या होता है पावर हाईएस्ट देखते हैं, तो एक्स की हाईएस्ट पावर क्या है 3, वाई की हाईएस्ट पावर क्या है 4, तो यहाँ से कंपेयर किया तो आर आ गया 3, एस आ गया 4। अब उसने पूछा है एम प्लस एन और आर प्लस एस बताओ, तो यहाँ से मुझे एम एन आर एस की वैल्यूज़ तो पता ही हैं, मैंने इसमें वैल्यूज़ प्लग इन की और आंसर मेरे पास क्या आ गया 28, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी बहुत ही इजीली आप कर सकते हो, जस्ट आपको डेफिनेशन पता होनी चाहिए एलसीएम और एचसीएफ की। अब इसके बाद एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आ जाता है जो हम काफ़ी यूज़ करते हैं इस चैप्टर में, बहुत ही प्यारा फॉर्मूला है, कह रहा है एलसीएम ऑफ टू नंबर्स मल्टीप्लाइड बाय एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल्स टू ए क्रॉस बी। क्या मतलब है, दो नंबर्स का जो एलसीएम आएगा उसको मल्टीप्लाई करो उनके एचसीएफ से, मल्टीप्लाई करेंगे तो उन नंबर्स का प्रोडक्ट करो तो भी सेम आएगा। मतलब क्या हुआ, सेम एग्जांपल ले रहा हूँ, देखो 25 और 10, बार बार सेम एग्जांपल ले रहा हूँ सो दैट आपको क्लियर हो जाए, ठीक है। तो 25 और 10 का एलसीएम हमने फाइंड किया था, क्या आया था 50, एचसीएफ हमने फाइंड किया था अभी जस्ट, क्या आया था 5, मल्टीप्लाई दोनों को करेंगे क्या आएगा 250। और फॉर्मूले में ये कहना चाह रहा है कि एलसीएम इंटू एचसीएफ जो होता है वो उन नंबर्स के प्रोडक्ट के इक्वल होता है, तो नंबर्स वो क्या हैं 25 और 10, प्रोडक्ट किया तो क्या मिल गया 250, तो इसका मतलब ये फॉर्मूला हमारा ठीक है। अब इसका यूज़ कैसे करेंगे उसको समझते हैं, तो कैसा क्वेश्चन बनता है इसका ध्यान से देखना। तो एक प्रॉब्लम मैंने आपके सामने लिखी है, यहाँ पे प्रॉब्लम है इफ़ एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स, क्या प्रॉब्लम है, इफ़ एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स आर 5 and 50। अब ध्यान देना ये दो नंबर्स नहीं है, इनको ए और बी मत कंसीडर करना, ये हमें एचसीएफ और एलसीएम निकाल के दे रखा है ऑलरेडी। एचसीएफ तो दो नंबर्स का कितना है 5, उन्हीं टू नंबर्स का एलसीएम कितना है 50, कितना है 50, देन रिस्पेक्टिवली का मतलब आपको पता ही है, एचसीएफ पहले लिखा है तो 5 से इसका रिलेशन है, एलसीएम बाद में लिखा है तो 50 का एलसीएम है, ठीक है। एंड वन ऑफ द नंबर इज 10, उनमें से एक नंबर 10 है, देन अदर नंबर बताओ। अभी तक क्वेश्चन क्या था, टू नंबर्स गिवन थे उनका एलसीएम और एचसीएफ पूछा था, अब उसका कन्वर्स पूछ रहा है, एलसीएम एचसीएफ निकाल के दिया है और आपसे वो नंबर्स की डिमांड कर रहा है कि नंबर्स बताओ। तो मैं अभी जो फॉर्मूला आपको बताया है उसी का यूज़ आपसे करवाऊंगा। फॉर्मूला क्या था, एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल्स टू ए क्रॉस बी, एचसीएफ गिवन है 5, एलसीएम उन नंबर्स का गिवन है 50, फर्स्ट नंबर हमारा 10 है, अदर नंबर हमसे पूछा है, तो बहुत ही सिंपल सा है, देखो कैलकुलेशन भी कुछ टफ नहीं है, 10 से 10 कैंसिल, 5 into 5 25, तो वो जो अदर नंबर होगा वो क्या होगा 25। अब इसमें एक मिस्टेक बच्चे ये करते हैं, मैंने ये जो फॉर्मूला बताया है आपको ये सिर्फ टू डिजिट्स के लिए ही एप्लीकेबल होगा, टू डिजिट्स का मतलब है टू नंबर्स, यहाँ पे कि कोई भी दो नंबर्स मुझे गिवन है तो उन दो नंबर्स के बीच में ही ये फॉर्मूला अप्लाई होगा, थ्री नंबर्स में ये फेल हो जाता है। कैसे, देखो यहाँ पे मैंने नोट डाल के लिखा है, ध्यान से समझना, ऐसा नहीं है कि थ्री नंबर्स का जो एचसीएफ और एलसीएम आएगा उनका प्रोडक्ट उन तीनों के प्रोडक्ट के इक्वल हो, नहीं ऐसा नहीं होगा। तो थ्री नंबर्स में फॉर्मूला क्या होता है, थ्री नंबर्स में फॉर्मूला ये होता है एलसीएम ऑफ थ्री नंबर्स इज इक्वल्स टू उन तीनों का प्रोडक्ट इनटू उन तीनों का एचसीएफ अपॉन एचसीएफ ऑफ म्यूचुअली नंबर्स, म्यूचुअली नंबर्स का मतलब हो गया ए एंड बी का एचसीएफ, बी एंड सी का एचसीएफ, ए एंड सी का एचसीएफ, मतलब टू एट ए टाइम चाहिए। सेम गोज विद एचसीएफ, एचसीएफ ऑफ ए बी सी इज इक्वल्स टू ए क्रॉस बी क्रॉस सी इनटू एलसीएम ऑफ ऑल थ्री नंबर्स एंड एलसीएम ऑफ ए बी बी सी एंड ए सी। तो इस फॉर्मूले से आज तक वैसे क्वेश्चन इतना ज़्यादा आया नहीं है, बट जस्ट फॉर योर कॉन्सेप्ट्स मैं बता रहा हूँ कि इसमें इसको जनरलाइज मत कर देना कि टू से थ्री नंबर्स में भी ऐसा होगा, ऐसा नहीं होगा, थ्री नंबर्स में फॉर्मूला इस टाइप से वर्क करता है। अब एक इम्पॉर्टेंट आपको कॉन्सेप्ट मुझे बताना है फिर इस चैप्टर के लिए, जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, ये आज की वीडियो का लास्ट कॉन्सेप्ट होगा, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्या है, एलसीएम और एचसीएफ आपको अभी तक नॉर्मल नंबर्स जब इंटीजर्स आते हैं तो आप निकाल देते हो, अगर आपके पास रेशनल नंबर्स आ जाएं, कैसे नंबर्स आ जाएं, रेशनल नंबर्स आ जाएं
तो आप रेशनल नंबर्स का एलसीएम एचसीएफ कैसे निकालोगे, बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है और बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट है, ध्यान से समझना, ठीक है। एलसीएम कैसे निकलता है, देखो 2/3 और 4/9 का एलसीएम निकालना है। तो फॉर्मूला क्या होता है एलसीएम निकालने का, कि न्यूमरेटर्स का पहले एलसीएम निकाल लो और डिवाइड कर दो डिनोमिनेटर के एचसीएफ से। अगर एचसीएफ पूछा है तो इसका उल्टा हो जाएगा, पहले एलसीएम निकाल रहे थे एलसीएम के लिए, एचसीएफ के लिए क्या करेंगे, न्यूमरेटर्स का एचसीएफ निकालेंगे और डिवाइड करेंगे डिनोमिनेटर में किसका, एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर्स। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये मेरा क्वेश्चन है, मुझे 2/3 और 4/9 का एलसीएम निकालना है, क्या निकालना है मुझे इसका, एलसीएम। तो मैं क्या करूँगा, न्यूमरेटर्स का एलसीएम लूँगा, न्यूमरेटर्स क्या है 2 और 4, तो 2 और 4 का एलसीएम निकालूंगा, फिर डिवाइड किससे करूँगा, एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर। तो ये जो डिनोमिनेटर्स हैं मेरे, इनका मैं क्या निकालूंगा, एचसीएफ। अब एलसीएम निकालना आपको मैं ऑलरेडी ऊपर सिखा चुका हूँ, तो 2 और 4 का एलसीएम जब आप निकालोगे तो क्या आएगा 4, एचसीएफ ऑफ 3 और 9 क्या आएगा 3। तो यानी कि 4/3 जो है वो एलसीएम होगा इन 2 नंबर्स का। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और डेफिनेटली इस पे क्वेश्चन आज नहीं तो कल एग्जाम में आने ही वाला है, क्योंकि बुक में डायरेक्टली ये गिवन नहीं है, इनडायरेक्टली एनसीईआरटी के एग्जाम्पल में आपको थोड़ा सा इसका रिव्यू मिल जाएगा, ठीक है। तो वहाँ से मैंने ये फॉर्मूला जनरलाइज करके आपको दिया है, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, स्क्रीनशॉट ले लेना या इसे नोट कर लेना। अगर पूछे एचसीएफ 2/3 और 4/9 का, तो अगेन फॉर्मूला क्या है, रेशनल नंबर्स का एचसीएफ निकालने का, एचसीएफ निकाल दो न्यूमरेटर्स का, न्यूमरेटर्स क्या है 2 और 4, तो एचसीएफ लेंगे 2 और 4 का, डिवाइड किससे करना है एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर्स, तो 3 और 9 का लेंगे एलसीएम, एचसीएफ निकाल लेंगे तो 2 और 4 का एचसीएफ क्या आएगा 2, एलसीएम क्या आएगा 9। तो 2/9 वो नंबर है जिनका एचसीएफ निकाला अगर 2/3 और 4/9 का, तो एचसीएफ क्या मिलेगा 2/9। तो इस टाइप से देखो मैंने आपको रेशनल नंबर्स का क्या सिखा दिया, एलसीएम एचसीएफ, इससे ऊपर हमने क्या पढ़ा 3 नंबर्स का एलसीएम एचसीएफ में क्या रिलेशन होता है, ये फॉलो नहीं करता है 2 नंबर के रिलेशन को, 2 नंबर्स के रिलेशन में जो फॉर्मूला है ये कैसे यूज़ होता है उसका एग्जांपल आपको दे दिया, फॉर्मूला क्या है वो भी आपको बता दिया, एलसीएम एचसीएफ का टफेस्ट क्वेश्चन कैसा बनता है वो आपको मैंने पावर्स में समझा दिया, इससे ऊपर मैंने आपको एलसीएम और एचसीएफ का यूज़ बताया था कि हम इसको कैसे यूज़ करते हैं और क्या इसकी रिक्वायरमेंट है। तो आई होप आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर आपको एलसीएम और एचसीएफ के लैंग्वेज वाले क्वेश्चन चाहिए, कैसे क्वेश्चन, लैंग्वेज वाले क्वेश्चन, तो वो हम करेंगे कब, नेक्स्ट वीडियो में। तो लैंग्वेज वाले जो क्वेश्चन है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके करवाऊंगा, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।